देखो, इस सबसे जो पहला ग्रुप हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा में हम किसकी बात करते हैं? थैलोफाइट्स में जनरली हम किसकी बात करते हैं? एल्गी की बात कर रहे हैं। और इसकी स्टडी को, जो थैलोफाइटा है इसमें हम एल्गी की बात कर रहे हैं, और एल्गी की स्टडी को हम क्या कहेंगे? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी, ये लिखा हुआ है। फाइकोलॉजी को हम क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ एल्गी। अब दो याद रखना है नाम आपको। अगर हम इंडियन फादर की बात करेंगे तो एमओपी इंगर साहब हैं, और इंटरनेशनल देखोगे तो फ्रिस्ट हैं, जो फादर हैं एल्गी के, फाइकोलॉजी के। अब यहां पर एल्गी के अंदर जो सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? एल्गी की जो सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि एल्गी थायलॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं। थायलॉयड ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है कि उनकी जो बॉडी है, द बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, सूट, स्टेम एंड लीव्स। इनकी जो बॉडी होगी वो रूट, सूट, स्टेम और लीव्स में क्या होगी? डिफरेंशिएटेड नहीं होगी। और एल्गी को हम क्या कहते हैं? याद रखना इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग या क्लोरोफिल कंटेनिंग सिंपल सिंपल थायलॉयड एंड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉफिक नेचर का है। ऑटोट्रॉफिक नेचर का मतलब क्या है कि दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब एल्गी को अगर आप देखोगे तो मेनली कहां पे ये प्रेजेंट होगा? लार्जली प्रेजेंट कहां होगा? एक्वेटिक कंडीशंस में, एक्वेटिक एटमॉस्फेयर में। क्लियर? यहां अब ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मैराइन भी हो सकेंगे। अब रिप्रोडक्शन में आप देखोगे तो दोनों ही रिप्रोडक्शन इनके अंदर देखने को मिलता है। मोस्टली इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा फ्रेगमेंटेशन और फिशन के थ्रू। मेनली इनके अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और वो फिशन या फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर जूस्पोर्स और इंडोस्पोर्स होते हैं जिनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इनका। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको तीन टर्म बहुत पहले से आप जानते हो, आइसोगैमस कंडीशन, एनाइसोगैमस कंडीशन एंड ऊगैमस कंडीशन। ठीक, यहाँ पे डेफिनेशन सबको आता है, सिर्फ जो याद रखना है वो एग्जाम्पल है इसका। एक एडिशनल एग्जाम्पल यहाँ पे एनसीईआरटी में ऐड हुआ है नई वाली में, इसको जरूर याद रखना है। आइसोगैमस कंडीशन का मतलब क्या होगा? आइसोगैमस का मतलब होगा कि यहाँ पर जो गैमीट का फॉर्मेशन हुआ है, मेल और फीमेल गैमीट का जो फॉर्मेशन आप देख रहे हो, यहाँ पर दोनों ही, बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर सिमिलर। यहाँ एग्जाम्पल क्या याद रखना है? आइसोगैमस के लिए यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा, इनके अंदर क्या होगा? आइसोगैमस कंडीशन, जहां पर मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। एन आइसोगैमस कंडीशन में जिसमें एग्जाम्पल आपको याद रखना है यूडोरिना, इसको जरूर याद रखना, यूडोरिना को, यही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यूडोरिना, जिसमें हम क्या देखेंगे कि जो मेल एंड फीमेल गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे। जबकि जब हम ऊगैमस की बात करते हैं, ऊगैमस की, तो ये सबसे एडवांस टाइप होगा जहां पर ये मेल और फीमेल गैमिट्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं होंगे,
और इसमें एक और खास बात क्या है कि यहाँ पर जब हम देखते हैं मेल और फीमेल गैमीट को, तो फीमेल गैमीट लार्जर इन साइज है एंड नॉन मोटाइल है। जैसा नॉर्मली ओगैमस कंडीशंस में आप हर जगह देखते हो कि जो फीमेल गैमीट है इट इज लार्जर इन साइज एंड नॉन मोटाइल, व्हाइल द मेल गैमीट इज स्मॉलर इन साइज एंड मोटाइल इन नेचर। अब एल्गी को आप देखोगे तो साइज में ये बहुत वेरिएबल फॉर्म्स देखने को मिलती है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो क्लेमाइडोमोनास है ये यूनिसेलुलर है, और वॉल्वॉक्स को देखोगे तो ये कॉलोनियल है। स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स ये फिलामेंटस होंगे। स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स ये क्या होंगे, दे आर फिलामेंटस इन नेचर। क्लियर। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इनका क्लासिफिकेशन, कि एल्गी को हम किस बेसिस पे क्लासिफाई किए हैं। तो मेनली इनका तीन ग्रुप है, एक ग्रीन एल्गी का ग्रुप है जिसको क्लोरोफाइसी कहेंगे, एक ब्राउन एल्गी का ग्रुप है जिसे फियोफाइसी कहेंगे, और एक रेड एल्गी का ग्रुप है जिसे रोडोफाइसी कहेंगे। ये जो ग्रुप्स बनाए गए इनके पीछे जो सबसे बड़ा रोल है वो है इनके अंदर प्रेजेंट पिगमेंट्स का, जो पिगमेंट्स इनके अंदर प्रेजेंट होंगे उनको हम पहले बात करेंगे। यहां पर जब आप देखोगे क्लोरोफाइसी को, यहां पर जब हम बात करेंगे क्लोरोफाइसी की ठीक, तो यहां पर जो पिगमेंट इन्वॉल्व है ये क्या है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी अलोंग विद कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। देखो नॉर्मली एक क्वेश्चन इनके क्लासिफिकेशन से भी हर साल पूछा गया है, जिसमें आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स याद रखने हैं, और इनके रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है जिसमें इनका आइसोगैमस एंड आइसोगैमस ओगैमस पूछा जाता है, और इसके एग्जाम्पल्स आपको सारे याद होने चाहिए बहुत अच्छे से, और ये पूरा याद करने का ही हमारा टारगेट है। ये सारी बातें आपको पहले से भी पता हैं, सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि क्लोरोफाइसी जिसको हम क्या कहते हैं ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, एंड यहाँ पर जो पिगमेंट इन्वॉल्व है ये क्या है, क्लोरोफिल ए एंड बी अलोंग विद कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, अलोंग विद कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। नेक्स्ट जो याद रखना है कि इनका जो फूड स्टोर होगा वो किस फॉर्म में होगा, तो क्लोरोफाइसी के अंदर जो फूड स्टोर होगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और ऑयल, स्टार्च या ऑयल के फॉर्म में इनका फूड स्टोर होगा। क्लियर है। नॉर्मली अगर हम देखें तो जो क्लोरोफाइसी है, यहाँ ग्रीन कलर्ड होगा जिसमें ए और बी प्रेजेंट होगा, और क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स हैं वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, जिसमें आप एग्जांपल किसका जानते हो, क्लेमाइडोमोनास का, जो कि यूनिसेलुलर हैं, या कॉलोनियल हो सकते हैं, जो आपने रोलिंग एल्गी पढ़ा है वॉल्वॉक्स, जो रोलिंग एल्गी हम पढ़ते हैं वॉल्वॉक्स वो कॉलोनियल होते हैं। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन आता है, दे हैव स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड एज पायरीनॉइड्स, और पायरीनॉइड्स जो है वो क्लोरोप्लास्ट के लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, एंड इट कंटेन्स प्रोटीन्स ऑल्सो। क्लियर है। तो हमें क्या याद हुआ क्लोरोफाइसी के लिए, कि जो मेन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है अलोंग विद कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, इनका जो फूड स्टोर हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, स्टार्च और ऑयल के फॉर्म में। क्लोरोफाइसी जो है इसमें जो डोमिनेटिंग है वो क्लोरोफिल ए और बी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो ऑटोट्रॉफिक हैं वो किस वजह से हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और यहाँ पर आप देखते हो इनके एग्जांपल्स को, तो यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास,
कारा वॉल्वॉक्स, ये सारे डायग्राम याद रखना क्योंकि ये डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल, बस जैसे ही आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये किसका डायग्राम है। तो जब हम वॉल्वॉक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक पेरेंट कॉलोनी है, डॉटर कॉलोनी है, और इसको हम रोलिंग एल्गी कहते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से रोलिंग एल्गी कौन है, तो हम वॉल्वॉक्स को कहते हैं रोलिंग एल्गी। और यहाँ यूलोथ्रिक्स को देख रहे हो तो ये क्या है, लेडर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और क्लेमाइडोमोनास, ये क्लेमाइडोमोनास है, ठीक, कारा, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, ये सारे मेंबर हैं किसके, क्लोरोफाइसी के। किसके मेंबर हैं, क्लोरोफाइसी के। मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए एंड बी। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं ब्राउन एल्गी फियोफाइसी की, मेन जब हम बात करते हैं ब्राउन एल्गी फियोफाइसी की, तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो मेन पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी अलोंग विद फ्यूकोजैंथिन। जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनका जो ब्राउन कलर है वो किसकी वजह से है, तो वो जो ब्राउन कलर है ये होगा फ्यूकोजैंथिन की वजह से। फ्यूकोजैंथिन की वजह से यहाँ पिगमेंट कौन है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। और फूड स्टोरेज के लिए आपको ये याद कराया था MOL, M stands for mannitol, O stands for oil and L stands for laminarin, laminarin, laminarin। तो तीनों फॉर्म में फूड स्टोर होगा, मैनिटॉल के फॉर्म में, ऑयल के फॉर्म में, लैमिनेरिन के फॉर्म में। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ कौन एल्गी जो है, ठीक, वो क्यों डायबिटिक पेशेंट्स यूज करते हैं। तो मैनिटॉल जो है वो सुगर है, ठीक, मैनिटॉल एक तरह का सुगर है जो डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है ताकि उनका ग्लूकोज लेवल ना इंक्रीज हो। और यहाँ पर जब हम फूड स्टोरेज के बाद देखेंगे तो यहाँ मेनली जब हम ब्राउन एल्गी को देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया है मेनली ये कहाँ पाए जाएंगे, मैराइन हैबिटेट में, लेकिन कुछ जो हैं वो फ्रेश वाटर में भी देखे जाएंगे। और इसका जो ब्राउन कलर है वो फ्यूकोजैंथिन की वजह से है जो कि एक जैंथोफिल है। और ये जो ब्राउन एल्गी हैं इनके शेप में ज्यादा वेरिएशन देखा जाता है। इसमें इक्टोकार्पस आप देखोगे तो ये फिलामेंटस है, और एग्जांपल आप देख रहे हो यहाँ पर जो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाता है लैमिनेरिया, ठीक। लैमिनेरिया में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है लैमिनेरिया के अंदर, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, तो ये होगा फ्रॉन्ड। और फ्रॉन्ड जो पार्ट है इट इज द फोटोसिंथेटिक पार्ट, जो फ्रॉन्ड है इट इज फोटोसिंथेटिक पार्ट जो जुड़ा होगा होल्ड फास्ट से, किसके थ्रू, इस टाइप के थ्रू जो जुड़ा होगा होल्ड फास्ट से। होल्ड फास्ट वो पार्ट है जो सबस्ट्रेटम से अटैच है, एंड ये इस टाइप पार्ट है इनका, और ये फोटोसिंथेटिक पार्ट है जो फ्रॉन्ड है, ठीक, लैमिनेरिया। फ्यूकस के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था और उसमें ये पूछा था ये क्या है, तो ये एयर ब्लैडर है। और एयर ब्लैडर की इम्पोर्टेंस क्या है कि इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग बायंसी, ये बायंसी प्रोवाइड करेंगे। लैमिनेरिया के बाद आपने फ्यूकस पढ़ा, फ्यूकस के बाद ये है डिक्टियोटा, डिक्टियोटा, तो सारे नाम याद हो गए होंगे, फ्यूकस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया। और यहाँ इसके बाद जब हम बात करते हैं रेड एल्गी या रोडोफाइसी की, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ये जो रेड रोडोफाइसी हैं ये रेड कलर के हैं, और इनका रेड कलर किसकी वजह से है, तो आपको याद रखना होगा इनका जो रेड कलर है वो आर फाइको इरिथ्रिन की वजह से है, आर फाइको इरिथ्रिन की वजह से है। और
इनकी खास बात क्या है रेड एल्गी की, कि ये बेंथिक जोन में भी सरवाइव कर ले जाते हैं जहां पर लाइट कम पेनिट्रेट होगी या लिटिल लाइट अवेलेबल होगी, उस लिटिल लाइट के अंदर भी ये सरवाइव कर जाते हैं। मेन पिगमेंट इनके अंदर आर फाइकोएरिथ्रिन है, और नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ये मैराइन हैबिटेट में प्रिफर करते हैं, उनमें भी जो वार्मर एरियाज हैं वहां पर ग्रो करना प्रेफर करेंगे। और पिगमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी है। अब फिर से पिगमेंट अगर हम याद करें तो क्लोरोफिल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी, फिर हमने ब्राउन एल्गी के अंदर क्या पढ़ा था, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, और जब हम रेड एल्गी की बात करेंगे तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। एंड The red color of red algae is due to presence of R-phycoerythrin. R-phycoerythrin and जो food store होगा, कई बार एक question पूछा जाता है, जरूर याद रखना यहाँ पर ये जो food store होगा ये किस form में होगा, Floridian starch के, और जो NCERT में line लिखी हुई है वो जरूर याद रखना है कि ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है ये सिमिलर है किसके, सिमिलर है किसके, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के, जो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आप देखते हो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर है ये फ्लोरिडियन स्टार्च, जिसमें फूड स्टोर होगा, जिसमें फूड स्टोर होगा। तो ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी आपको, फिर से एक बार रिवाइज करना, ये सारा आज ही याद करके हमें इसी लेक्चर में सारा याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो एल्गी है ये किस बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन हुआ है, तो एल्गी का जो क्लासिफिकेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन हुआ है, डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे जिनके बेसिस पे इनको तीन ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। जो ग्रीन एल्गी का ग्रुप है दैट इज क्लोरोफाइसी, दैट इज क्लोरोफाइसी, जहां पर पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी अलोंग विद कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल है। और जब आप देखोगे ब्राउन एल्गी जिसको फियोफाइसी कहेंगे, तो यहाँ पर जो इनका कलर है ब्राउन वो किसकी वजह से है, फ्यूकोजैंथिन की वजह से, और पिगमेंट क्लोरोफिल ए और सी दोनों प्रेजेंट हैं। रेड एल्गी रेड क्यों है, आर फाइकोएरिथ्रिन की वजह से, और पिगमेंट जो इन्वॉल्व होंगे वो क्लोरोफिल ए और डी होंगे। तो पिगमेंट्स याद हो गए, पहले याद रखना है ए बी, फिर याद रखना है ए सी, फिर याद रखना है क्या जो रेड एल्गी के अंदर आप देख रहे हो ये ए एंड डी, तो सारी बातें याद हो गई। एग्जाम्पल जब रेड एल्गी का देखोगे तो यहाँ पर पॉलीसिफोनिया और पोरफाइरा है, पॉलीसिफोनिया और पोरफाइरा है, और यहाँ ब्राउन एल्गी के अंदर आप देख रहे हो डिक्टियोटा फ्यूकस और लेमिनेरिया को, और ग्रीन एल्गी के अंदर हम बात करते हैं यूलोथ्रिक्स क्लेमाइडोमोनास वॉल्वॉक्स और कारा की। तो एक क्वेश्चन तो बहुत सारे एग्जाम्पल देके इसमें से ये पूछते हैं कि ये किस से बिलोंग करता है, तो यूलोथ्रिक्स वॉल्वॉक्स क्लेमाइडोमोनास और कोरा दे बिलोंग्स टू ग्रीन एल्गी, ठीक। लैमिनेरिया फ्यूकस डिक्टियोटा इक्टोकार्पस और सॉर्गेसम ये बिलोंग करेंगे किसको, ब्राउन एल्गी को, पॉलीसिफोनिया और पोरफाइरा ये रेड एल्गी होंगे, क्लियर है, ये रेड एल्गी होंगे। देखो दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो आपने पिगमेंट्स याद किए, फिर फूड स्टोरेज याद किए और हैबिटेट, ठीक, और इसके बाद एक क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है कि यहां ये जो ग्रीन एल्गी आप देख रहे हो इनके सेल वॉल से क्वेश्चन पूछा जाता है, सेल वॉल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेल वॉल है, ठीक, ये रिजिड स्ट्रक्चर तो होगा ये सभी को पता होगा, जो कंपोज्ड होगा किससे, सेलुलोज से, लेकिन जो आउटर लेयर होगी, जो आउटर लेयर होगी दैट इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टोज, क्लियर है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टोज,
और यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है, जो क्लोरोप्लास्ट है उनका शेप वेरिएबल हो सकता है क्लोरोफाइसी के अंदर, वो डिस्क शेप हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, गर्डल शेप हो सकता है या स्पाइरल शेप हो सकता है। ठीक, बात समझ में आ गई। अब हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो मैंने एल्गी में पहले ही बोला था कि यहाँ पर फिशन और फ्रेगमेंटेशन एल्गी के अंदर देखा जाएगा, तो यहाँ पर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखते हो आप क्लोरोफाइसी के अंदर, यहाँ क्लोरोफाइसी के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो मेनली फ्रेगमेंटेशन से है, जिसमें आप देखते हो स्पायरोगायरा के अंदर, हम ये याद करते हैं रिप्रोडक्शन में कि यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन होता है, सभी ने याद किया है, 9th-10th में भी हम पढ़ते हैं कि फ्रेगमेंटेशन होता है स्पायरोगायरा, जब हम रिप्रोडक्शन के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो वहां पर फ्रेगमेंटेशन हम बोलते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, जिसमें स्पायरोगायरा के अलग अलग फ्रेगमेंट्स में ये ब्रेक हो जाएंगे और हर एक फ्रेगमेंट एक नया इंडिविजुअल बनाएगा, तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो जू स्पोर्स के थ्रू होगा, जो प्रोड्यूस होंगे कहाँ, जू स्पोरेंजियम के अंदर, जू स्पोरेंजियम के अंदर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, तीनों टाइप यहाँ पे देखी जाएगी, तीनों टाइप देखी जाएगी, कौन कौन सी, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और उ